नमस्कार, साधना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कानपुर के ग्राम पंचायत हरनू में भीषण आग लगी है, तो बड़ी खबर, गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। बिजली के तार टूटने के कारण आग लगी बताया जा रहा है, तो कई बीघा फसल जलकर खाक हो गई है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। किसानों का कहना है कि 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं किसानों ने मुआवजे की भी मांग की है। तो बड़ी खबर, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गेहूं की फसल जलकर खाक हुई है, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। और अब खबर सीतापुर से, कोरोना के 77 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, तो एक्टिव मरीजों की संख्या अब 543 पहुंच चुकी है। 84 के बाद अब 86 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 86 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1832 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से आपको बता दें सीतापुर में 77 नए कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 543 हो चुकी है, वहीं 86 लोगों की मौत हो चुकी है।